हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9:35 हो चुके हैं और दिन आज तारीख है 9 सितंबर, और कल मेरे को जाना है मॉस्को वापस। और मॉस्को का जो है आगे की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, पर पहले आज जो है मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक नई जगह पे, जहाँ पे ये एक झील है, बहुत बड़ी झील टाइप में है, और वहाँ पे बहुत बड़े शिप हैं, स्मॉल शिप भी हैं, बड़ी बड़ी शिप भी हैं। और आगे का जो वीडियो है मैं वहीं जाके शूट करता हूँ, ठीक है? तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, आगे जाके बहुत मज़ा आने वाला है, आपको दिखाता हूँ आगे जाके। थैंक यू, बाय। तो दोस्तों अब मैं चल पड़ा हूँ यहाँ क्रूज़ की तरफ, तो साथ में कॉफ़ी भी है और भाई रास्ता भी है थोड़ा सा, तो ये पूरा करना है। तो वहाँ पहुँच के बताता हूँ आपको कैसा है व्यू है। ओके, हेलो दोस्तों ये जो जगह आप देख रहे हो ना, एक झील सी है बहुत बड़ी, दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखिए पीछे, यहाँ बोट जो है, शिप्स हैं, झीलती हैं, और ये बिल्कुल ही हेरमिटेज जो है पैलेस या थिएटर लगा लीजिए उसके बैक साइड है, तो किसी को भी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये बिल्कुल उसके बैक साइड है, कोई बोलेगा वहाँ से बिल्कुल बैक साइड है, आप नीचे आ जाओ, उसके पीछे ये है, और इसे आप जो है शिप की या क्रूज की राइड ले सकते हो। ये देखिए भाई साहब, जेड़े तो पंजाबी ने वो देखी होगी चल मेरा पुत 2 या चल मेरा पुत, वो चे है ऐसा स्टैचू जहाँ बनाया सी। वो दोस्तों ये देखिए, ये जा रही है पीटर हॉफ पैलेस के लिए, और इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन का 1800 रुपये और वन वे का है 1000 रुपये। और देखिए अपने हिसाब से है कि देखने में सस्ता भी है, बट पीटर हॉफ पैलेस दूर है भाई, 24 किलोमीटर है, अगर आपको बाय रोड से बात करें तो 24 किलोमीटर है। काफ़ी अच्छा है बना हुआ है ये, अभी दिखाता हूँ आपको बाहर से। सो फ्रेंड्स, ये मैंने अभी टिकट ले ली है और ये मेरे को पीटर हॉफ पैलेस लेके जाएगी, और हाँ 12 बजे का टाइम है मेरा यहाँ से चलने का, और आने का टाइम है जो मेरा वो रहेगा, मतलब हर एक घंटे बाद वापस आती है वहाँ से ये शिप। और बाकी जो है ये वाली शिप है मेरी, दिस वन, और सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा। ये वही है जहाँ पे एक पैलेस बना है, उसके सामने फाउंटेन्स है, जहाँ पे मैं कल जाने वाला था तो वो किसी कारणवश जा नहीं पाया, तो ये शिप मेरे को ठीक लगी। 1800 रुपये इसका किराया है, तो अप एंड डाउन का, अगर वन वे जाना है तो 1000, अगर अप एंड डाउन करना है तो 1800। तो बने रहिए साथ में, ये इनका यहाँ पे टिकट काउंटर है, दिस, ठीक है, यहाँ पे देते हैं ये टिकट, यहाँ से अगर खाना पीने के लिए कुछ लेना है तो ले सकते हैं। ओके बाय। पहले आपको वहाँ क्लिक करना है और ये $28 ये किया, कार्ड ऐसे सामने किया, जैसे कार्ड आप सामने करोगे यहाँ से चॉकलेट मेरी जो है 50 नंबर वाली देखना नीचे गिरेगी, ये सीधा नीचे आ जाएगी, ये देखिए ये गिर गई है स्केच में, निकाल देंगे। दैट्स नाइस, बहुत अच्छा सिस्टम है भाई ये, अपने आप लेते रहो। दोस्तों मैं शिप में बैठ गया हूँ और आगे का आपको व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छी शिप है, देखिए अंदर से काफ़ी साफ सुथरी है, यहाँ से देखिए सब लोग अंदर आ रहे हैं, टिकट ले चुके हैं, और आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाता हूँ अभी। ये देखिए बाहर का व्यू है, हम बिल्कुल फ्रंट पर बैठे हैं,
आगे टीवी लगी है भाई, अभी चलते समय और अच्छे से व्यू आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, यहाँ कर देख लीजिए। और ये नीवा नदी है, इस नदी का नाम नीवा है, बट ये तो है समुद्र जैसी है बिल्कुल, जस्ट लाइक सी। भाई शिप की जो स्पीड है ना बहुत ज्यादा है, जाना था जरूरी है, ये तो कल तो मेरे को फिर मॉस्को चले ही जाना है, तो तभी मैंने सोचा आज का दिन या फिर यहीं पे स्पेंड करता हूँ आज, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये पीटरहॉफ पैलेस। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ आगे का आपको ये दिखाने के लिए। भाई फर्स्ट लुक जो होगी ना बहुत ज़बरदस्त होगी है। पीटरहॉफ पैलेस की तरफ
दिखा रहे हैं भाई, और आपको पीछे के ये देखिए जबरदस्त, बहुत आगे आने वाला मतलब बहुत ही अल्टीमेट जगह है भाई। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, अभी देखते हैं यहाँ के क्या है सिस्टम है यहाँ का, आगे आके देखते हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने सेंट पीटर्सबर्ग, और ये सामने हमारी शिप खड़ी है, और ये दूसरी कंपनी की है शिप। पहले हम उसमें चढ़ने लगे तो बोलते भाई ये नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी थर्ड नंबर पे जो सामने 3 लिखा। ओके, तो हम यहाँ आ गए, तो ये सब उसका वेट कर रहे हैं, ये शिप का कब डोर ओपन होगा और हम अंदर बैठेंगे। ये छोटा सा बच्चा भी है जो अपनी मम्मी पापा के साथ आया है। बाकी भाई बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का यार, ये नदी तो कम लग रहा है, समुद्री लग रहा है पूरा पूरा। देखो कितना बड़ा समुद्र है। यस, पर दोस्तों आओ जरूर यहाँ पे, बट एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जब पीटर हॉफ पैलेस के अंदर जब हम एंटर करते हैं ना, तो वहाँ एंट्रेंस फीस लगती है, और उसमें जो है फीस में अगर तो रशियन सिटीजनशिप है तो आपके 450 रूबल्स लगेंगे, और अगर आप टूरिस्ट हैं अदर कंट्री से आए हैं तो 1000 रूबल्स लगेंगे, जो कि अपने इंडियन रुपीस 1000 के बराबर। तो दोस्तों ये है सारा का सारा, बाकी बढ़िया है, अच्छा खूबसूरत बहुत है, और मौसम भी बहुत अच्छा है, हल्की सी धूप है, हल्का सा क्लाउड है, नहीं देखो ऊपर क्लाउड देख लीजिए, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है, मतलब एक अलग सी ही पूरा अलग टापू सा बना है यहाँ पे, वहाँ पे ये देखिए। तो ये देखिए अभी एंट्रिंग स्टार्ट हो गई है, एंट्रेंस, मुझे लेडीज़ का टिकट दे रही है, अभी मैं भी एंटर होता हूँ, ठीक है।